हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो टोटल वाटर प्रेजेंट है उसमें से अप्रॉक्सीमेट 97% वाटर जो है दैट इज अ मैरीन वाटर, जिसको हम खारा पानी भी कह सकते हैं, जिसको आप ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं, हम सॉल्टी भी होता है, थोड़ा सा नमकीन होगा, टेक्निकली वी कॉल इट अ मैरीन वाटर। बाकी का 3% के करीब करीब एंड अगेन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये हम हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम मीठा पानी भी कहते हैं। टेक्निकली हम उसको मीठा पानी कहते नहीं है, लेकिन यह है कि वो पानी जो पी सकते हैं, जो इस्तेमाल हो सकता है पीने के लिए, जो फसल को देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो जानवरों को पिलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो सारे का सारा जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी मीठा होगा या उसमें कुछ चीनी मिली हुई है। मीठा पानी का मतलब जो काबिल इस्तेमाल है, जिसको हम पी सकते हैं, जिसको हम फसलों में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम एनिमल्स के लिए पिलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारे का सारा जो मेरीन वाटर है उसके अंदर तकरीबन सारा वाटर जो है ये ओशंस के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम खारा पानी ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वाटर मूव करता है रिवर्स के अंदर और बाकी रिजर्वायर्स के अंदर, तो बहुत सारे उसमें मिनरल्स ऐड हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सॉल्टी अपीरियंस है जो है वो ज़्यादा होती जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जो है आइस कैप्स और ग्लेशियर के अंदर, तकरीबन 2.1% के करीब जो पानी है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स स्नो की फॉर्म में जो है वो स्टोर हुआ हुआ है। और इसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर आता है हमारा रिवर्स का, स्ट्रीम्स का, ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत सारा पानी प्रेजेंट है जो सारा सारा फ्रेश है, लेक्स हैं।